राइट में सफर टर्मिनल 2 सामने बस आएगा, गेट नंबर 2 के आगे वेट कीजिए। तो ये हम पहुंच चुके हैं बॉम्बे एयरपोर्ट। वैसे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है। वैसे आपको यहाँ से डिपार्चर है आपका, और यदि मेरा मैंने मतलब मैंगलोर के लिए जो मेरी टर्मिनल है वो टर्मिनल 2 से है, तो मुझे मैंगलोर टर्मिनल 2 से फ्लाइट लेनी होगी। तो मुझे थोड़ा यहाँ से वॉक करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सामने वो फ्री सर्विसेज होती है इनकी टर्मिनल 2 के लिए। वैसे आपको ये गेट नंबर 2 के पास आपको टर्मिनल 2 के लिए बसेस मिल जाएंगे। वो आपको सामने दिख रही है वो बस जाएगी टर्मिनल 2। इस बस से मैं आया और ये देख सकते हैं आप टर्मिनल 2 का नज़ारा। वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सामने आपको दिख रहा होगा छत्रपति शिवाजी जी का स्टैचू है, और ये हमारे प्यारा देश का झंडा, और ये पूरा बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाय द वे चलिए, वैसे मैं अपना ये बैडमिंटन नहीं भूला हूँ, ये रहा मेरा बैडमिंटन। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे मैंगलोर में। वैसे मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ देखना पड़ेगा वैसे, बट 3 घंटे बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अभी कहीं भी जाने वाला हूँ किसी दूर पर, बट देखता हूँ एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। ये मैंने अभी अपनी चेक इन करा ली गेट पर, अभी मुझे जाना है 45A। आई थिंक यहाँ पे मुझे स्कैन करना पड़ेगा। ये अपना पूरा डिजिटल किट्स, और ये पता नहीं भैया ने बोला कि कैन अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे खोल के दिखाना पड़ा। वैसे मेरा अभी मूड नहीं था पीने का, बट मुझे ये खोलना पड़ा। और वैसे ऑल सेट, सब कुछ ठीक है अपना। अब मैं जाने वाला हूँ अंदर। ऑल सेट, मेरी चेकिंग हो चुकी है, मैं एंटर कर चुका हूँ, और ये रही मेरी कोक जो भैया ने निकलवा दी। वैसे मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी नहीं पीना है, और फिर वो बोला कि सर रूल्स है आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये खोलना पड़ा, तो इसलिए मुझे अब पीना पड़ेगा। फॉर डोमेस्टिक वी हैव टू गो डाउन। यहाँ पे भी कियारा आडवाणी के एड्स हैं, ये लोग कहीं नहीं छोड़ते, देख लो बाथटब लगा के छोड़ दिए हैं इन्होंने। और ये जनाब कियारा आडवाणी के भी पिक्स ले रहे हैं। और ये अपना ऋषि कुंडा, वैसे वहाँ पे फिशेज वगैरह थी बट मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे इसमें लिखा तो है 0 कैलोरी और 0 शुगर, बट आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है। वैसे मेरा मूड तो था नहीं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं अपने गेट पर बैठा हुआ हूँ, गेट नंबर 45A, और मेरी फ़्लाइट 3 घंटे की ले ओवर है मेरी, मतलब आप समझ सकते हैं मुझे अभी 3 घंटे और बैठने हैं। बाद बाकी मैं मैंगलोर अराउंड 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे मैंने 3 दिन के लिए होटल्स ले रखी है। कल मेरी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग तो क्या ही मतलब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वैसे तो सारा प्रोसेस हो चुका है ऑनलाइन ही, कल जाके बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी है।